वीरान कलियर में चला सफाई अभियान। एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि हाई कोर्ट उत्तराखंड के आदेश के अनुपालन में 12 जून से 18 जून तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आज 18 जून को सफाई अभियान चलाया गया। इसके क्रम में नगर पंचायत वीरान कलियर में सर्वेक्षण स्वच्छ अभियान चलाया गया और नगर पंचायत के विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई की गई। इस मौके पर ADJ अंबिका पंत जी, सिविल जज आशीष तिवारी जी, नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली व अन्य जन मौजूद रहे। आज सफाई अभियान चल रहा है, इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? आज सफाई अभियान चल रहा है, हाई कोर्ट मानी ने अमले के आदेश, ले लो पानी, ले हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और हर एक नगर पंचायत के नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। अगर थोड़ा अपने आप सफाई रखे तो सफाई हो जाए। ये वार्ड नंबर 9 में जाके गली में पानी भरा हुआ है 20-25 दिन से, वो पानी क्यों नहीं साफ हो रहा है? आपका उसको सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल क्या हुआ, ADM साहब को बोल दिया, चिट्ठी दे दी। दिक्कत क्या है कि वहाँ जमीन नहीं है, चकबंदी में जो प्रधान रहे उस समय, और ये काफ़ी पानी आता था। चलो अब तो ये गांव का पानी है, लेकिन एक बरसात का पानी भी बहुत बड़ा पानी आता है, जिसको देखते हुए नाला छूटना चाहिए था सरकारी। नाला ना छोड़ने की वजह से किसान जब चाहे, उनको राजनीतिक कुछ लोग ऐसे चढ़ा देते हैं तो वो पानी बंद कर देते हैं, और जैसे वो पानी बंद होता है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। ग्राम के अंदर जो हमारी नगर पंचायत के अंदर बीमारी की बड़ी दिक्कत हो सकती है उस पानी के रूप में। इसका समाधान क्या है? समाधान ADM साहब को लिखा है चिट्ठी, और जैसे ही प्रशासन हमारा आएगा, सब नगर पंचायत के कर्मचारी और मिलकर कोई ना कोई निर्णय होगा। आदेश के अनुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि एक दिन का अभियान नहीं है, कि लोगों को जागरूक करना, अपने आसपास गंदगी ना करना और अपने वातावरण को साफ रखना, इसको पर्यावरण की दृष्टि से भी सफाई अभियान जो जरूरी है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।